चल आ जाएंगे, मैं तुम्हें कहाँ बुलाऊंगी उधर हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ पर बन रहा है मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। तो आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे सैंडविच पनीर चीज़ का। तो बस उसी के लिए मैंने यहाँ पर डाला है सेजवान सॉस, मेयोनीज लगाया है, तो उसी को अच्छे से मिला लूँगी और उसके बाद इस पर डालूँगी क्रश करके पनीर। और क्योंकि आज सबका मन हो रहा था सैंडविच खाने का, तो मैंने कहा चलो ब्रेकफास्ट बना देते हैं सैंडविच का। और पनीर भी रखा हुआ था, चीज़ भी रखा रहता है, मतलब क्योंकि सैंडविच स्माइली के स्कूल में भी कई बार बना के दे देती हूँ, तो इसलिए सामान रखती हूँ मैं घर में। तो बस यहाँ पर मैंने इसमें पनीर क्रश कर रही हूँ, पनीर क्रश करके डाल दूँगी। और सारी चीज़ें ना फ्रिज में रखी थी ना, तो वो थोड़ा सा ना ज़्यादा टाइट सा हो जाता है। पनीर भी काफ़ी टाइट सा हो रखा था और चीज़ तो बिल्कुल ही जम गया था वो, तो अभी चीज़ भी डालूंगी, बिल्कुल पत्थर जैसा चीज़ हो गया था वो फ्रिज में रखा हुआ। तो ये है अमूल का चीज़, अमूल का चीज़ भी मैंने घिस के अच्छे से डाल दिया है, खूब भर भर के पनीर और चीज़ लगा दिया है सैंडविच में और काफ़ी अच्छे बनेंगे। तो बस इसके ऊपर मैं और ब्रेड रख देती हूँ, तो बस इनको चारों को मैं अच्छे से जो है सेक लूँगी। तवे पे मैंने लगा दिया है बटर, तो बटर भी यहाँ पर अच्छा लगा देंगे ताकि अच्छे से सेक जाए। और देखो मैं वीडियो यहाँ पे एडिटिंग कर रही हूँ वॉइस ओवर, और बराबर आपको मेरे बच्चे की आवाज़ आ रही होगी आर्यन की, वो भी बोल रहा है। तो आर्यन को ना यहाँ पे ये लग रहा है कि शायद मैं उससे बात कर रही हूँ, तो इसीलिए वो बराबर रिप्लाई कर रहा है मेरे को, देख के हंस रहा और बातें कर रहा है। अभी भी आपको आवाज़ आ रही होगी। तो यहाँ पे हमारे जो सैंडविच है उनको पलटने का टाइम आ गया है, क्योंकि नीचे से अच्छे से सिक चुके हैं ये, तो ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा बटर लगा दूँ। और बटर भी फ्रिज में था ना, तो मेल्ट नहीं हुआ है, लेकिन ऑलरेडी गर्म है तो वो हो जाएगा। तो मैंने ये दो ब्रेड उठा लिए हैं और यहाँ पे और बटर लगा देती हूँ ताकि अच्छे से सिक जाए। और बटर लगाते हैं ना तो थोड़ा अच्छे भी लगते हैं खाने में। तो बस यहाँ पर इसको पलट दूँगी मैं ये भी, और बस ये सारे हमारे बनके हो जाएंगे तैयार, फिर इनको हम कट कर लेंगे। तो बस इसको जल्दी से गर्म गर्म में ना इस तरीके से कट भी हो जाते हैं फटाफट से और अच्छे लगते हैं। तो बस इसको प्लेट पे सर्व कर लेते हैं, आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म सैंडविच खाने के लिए पनीर और चीज़ के। फ्रेंड्स आ जाइए आप लोग भी, इंजॉय करिए गर्मा गर्म चीज़ पनीर सैंडविच का। उसके बाद मैंने स्मैली का लंच वगैरह पैक किया, और इतनी बिजी होगी कि मैंने ब्लॉग कुछ भी नहीं बनाया, सीधे बाहर आ कहाँ जा रही हो? स्टार्ट किया है। उधर कहाँ जा रही हो? तो यहाँ पर मैं आई हूँ अभी स्माइली को स्कूल के लिए छोड़ने के लिए, नीचे उसकी वैन आने वाली है, तो मैं आर्यन को लेके आई हूँ। अभी दिखाती हूँ आपको आर्यन भी, आज मैं आई हूँ आर्यन को नीचे लेकर। भाई देखो 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 देखो, बाबू बाबू, दीदी कहाँ है? दीदी दीदी किधर गई? दीदी दीदी किधर गई? है तो कोई ना, देखो इधर देखो, इधर देखो, गाड़ी देख रहा है। वो उल्टा दिखता है जब गोद में लो तो इस टाइप देखता है। चल आ जाएंगे, मैं तुम्हें कहाँ बुलाऊंगी उधर हैं। तो यहाँ पर ना स्माइली को मैंने बुलाया, मैंने कहा थोड़ा हमारा आर्यन का फोटो वगैरह उसने क्लिक करी एक दो, और वीडियो ऐसा बना रही, दिख ही रहा होगा आप लोगों को कितना हिलाती है ये। जब भी इसके हाथ में फ़ोन आता है ना, जिस दिन ये मेरा ब्लॉग बनाती है, पूरा हिला हिला के ना बिल्कुल ख़राब कर देती है। तो ये इतना हिला रही है, देख ही रहे होंगे, तो बस पूरा हिला के जैसे तैसे उसने बनाया है वीडियो। और अब मैं उससे फ़ोन ले रही हूँ कि लाओ फ़ोन दे दो, तो दे नहीं रही है, कह रही और बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं आर्यन को गोद में ले रखा है मैंने, और ये देखो देख रहा है वो भी आराम से। उसका कैप निकाल दिया क्योंकि बाहर ना धूप हो रही थी, तो मैंने कैप लगा के लाई थी, काफ़ी धूप हो रही है और काफ़ी गर्मी पड़ने लगी है, बरसात बंद हो गई है फिलहाल। तो ये देखो ये देख रहा है आराम से, फ़ोन में देख रहा है, स्माइली को देख रहा है,
वो भी कभी कभी बाहर आता तो बड़ा खुश होता है, चारों तरफ देखता है वरना बेचारा घर में ही पैक रहता है। तो स्माइली को मैं बोल रही थी कि एक दो फोटो लो, उसने ली। फिलहाल अभी गाड़ी आ गई है, स्माइली जा चुकी है स्कूल और हम आ गए हैं घर पे। तो यहाँ पर आर्यन खेल रहा है, तो मैंने कहा जब तक ये खेल रहा है तो थोड़ा सा इसका एक वीडियो क्लिप बनाया, एक दो फोटो शूट करें और उसके बाद अब मैं अपने लिए बनाऊंगी खाना। उससे पहले मैं इसको सुला दूंगी क्योंकि ये सो जाएगा तो मैं बड़े आराम से फिर खाना खा पाऊंगी। और बस इसको सुला देती हूँ जल्दी से, अभी तो फिलहाल खेल रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो अभी स्माइली को स्कूल छोड़ के आई हूँ, उसके बाद मैं अपने लिए बना रही हूँ रोटी। और आर्यन को आने के बाद उसको, क्योंकि नहाया था ना, उसको नींद आ रही थी नीचे ही जब मैं उसको लेके गई थी, तो उसके बाद वो अभी सो गया है और मैं अब खाऊंगी खाना। तो यहाँ पर बन रही है मेरी रोटी। सब्जी तो मेरी रखी हुई थी, कल रात की रखी है फिलहाल, लेकिन अभी मैं अकेले हूँ तो फिर मेरा, मैंने अकेले के लिए ना मन नहीं होता कि कुछ भी बनाओ, रहता चलो जो भी है खा लेते हैं। वैसे भी सुबह सैंडविच बनाए थे तो आधा पेट उससे भर रही है, तो बस एक दो रोटी सेकनी है बस, और फिर रात की सब्जी रखी है मेरे लायक, तो बस मैं उसी को खा के आराम से। और अभी आर्यन भी फिलहाल सो गया, उसको मैंने लेटा दिया बिस्तर पर, आराम से सो रहा है जब तक मैं खाना खा लूँगी। तो मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ दोपहर का लंच करने के लिए, खाना खाने। और मैं यहाँ ऊपर इसलिए बैठी हूँ क्योंकि इसकी आदत है ना, ये ढंग से कभी कभी सोता नहीं है, बीच बीच में उठ जाता है, अगर जगह तो फिर मुझे गोद में लेके बैठना पड़ेगा। तो फिर मैं बिस्तर में ही बैठ गई हूँ, मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर वैसा बिछा लिया है उसके ऊपर बैठ के खाना खाया। और फिर मैं दिन में सो गई, नींद आ गई और उसके बाद हो गई है शाम। स्माइली भी स्कूल से आ चुकी है, अभी इसकी फ्रेंड्स वगैरह आई थी तो वो लोग सब खेल रहे थे, तो मैंने यहाँ पे क्लीन नहीं किया था, तो बस वही सोच रही हूँ। अंधेरा हो गया फिलहाल देखिए, लेकिन मैं यहाँ पे अभी झाड़ू लगा देती हूँ, थोड़ा साफ़ कर देती हूँ क्योंकि ये लोग खेल रहे थे ना, तो पूरा यहाँ पे ना पता नहीं क्या क्या गिरा के रखा हुआ है थोड़ा, तो बस वही मैं साफ़ कर देती हूँ जल्दी से। और स्माइली के हाथ में फ़ोन है इस टाइम भी, इसलिए इतना हिल रहा है फ़ोन। तो मैंने बार बार ना ट्राईपॉड नहीं लगाती मैं, कि बार बार ट्राईपॉड सेटिंग करो फिर उसमें फ़ोन लगाओ, तो इसीलिए मैंने स्माइली को दे दिया, मैंने कहा थोड़ा सा व्लॉग बना दो, तो वो इतना हिला रही है कि उसको मुझे बोलना पड़ता है बस ठीक है चलो हो गया थोड़ा सा ही बनाती। और उसके थोड़ी देर बाद आया है हमारा पार्सल आर्यन का, तो आर्यन के डाइपर्स मैंने यहाँ पे ऑर्डर किए थे तो उसका पार्सल आ गया है, तो बस वही यहाँ पे खोल रही हूँ। इतना टाइट इसमें टेप लगा हुआ है ना, तो खोलने में बड़ा दिक्कत हो रहा था, तो बस लेकिन खुल गया। और इसमें बड़ा वाला साइज़ इस बार मंगाया है क्योंकि इसका ना बार बार दुकान से लाओ, इससे बढ़िया मैं फिर ऑर्डर कर देती हूँ। तो इसका वाइप्स, डाइपर, ये सारी चीज़ें ना मैं इसका मोस्टली इसका सामान जो है ना वो ऑर्डर कर देती हूँ, क्योंकि अच्छा मिल जाता है ऑनलाइन पर देख के अपने आप से ले आओ, क्योंकि इस समय मैं भी ज़्यादा मार्केट नहीं जा सकती हूँ। तो ये आ गया है बड़ा वाला पैक, इसमें 64 डाइपर्स हैं। तो फिलहाल इसी के साथ मैं फ्रेंड्स इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट।